हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन कार गुरुजी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमजी हेक्टर के टॉप एंड वेरिएंट शार्प का डिटेल रिव्यू विद इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स, ऑन रोड प्राइस एक्सेट्रा। तो शुरू करते हैं। अब फ्रंट मिलती हैं स्टाइलिश क्रोम फ्रंट ग्रिल। यहाँ पर LED DRLs दिए गए हैं जो कि टर्न इंडिकेटर्स की तरह वर्क करते हैं। और नीचे मिलते हैं ड्यूल चैम्बर एफिशेंट LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। हेक्टर की डायमेंशन, लेंथ, विड्थ एंड हाइट आपकी स्क्रीन पर दी गई है। ये मार्केट में कम्पीट करती है जीप कंपस, टाटा हैरियर से एंड अपकमिंग टोयोटा रश से। इसमें आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला इंजन है 1.5 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो कि मैनुअल एंड DCT में ऑफर करा जा रहा है, और सेकंड 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड जो सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल में ऑफर करा जा रहा है। दोनों इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जनरेट करते हैं 143 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क। थर्ड इंजन ऑप्शन की बात करें तो वो है 2 लीटर फीएट सोर्स डीजल इंजन जो कि सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल में ऑफर किया जा रहा है। इस इंजन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये जनरेट करता है 170 PS की पावर और 350 Nm का मैसिव टॉर्क सिर्फ और सिर्फ 1750 RPM पर। रियर में आपको मिलती है वेरी स्टाइलिश टर्निंग LED टेल लैंप्स विद फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पर हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है। अब खोलते हैं टेल गेट और यहाँ पर मिलता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बूट। ये दिया गया है टेल गेट क्लोज करने का बटन। बूट स्पेस में 2 लगेज लैंप दिए गए हैं एंड ये है रियर पार्सल ट्रे। और हेक्टर में मिलता है वेरी बिग साइज प्रैक्टिकल 587 लीटर का बूट स्पेस। अब करते हैं टेल गेट को क्लोज। अब बात करते हैं रियर डोर की लुक के बारे में। तो यहां पर डोर माउंटेड स्पीकर दिया गया है, बॉटल होल्डर स्पेस मिलती है, पावर विंडो कंट्रोल्स, डोर माउंटेड लेदर आर्मरेस मिलती है, ट्विटर्स एंड यूनिकली डिजाइंड इनसाइड डोर हैंडल्स दिए गए हैं। एंड ये है रियर सीट्स की लुक। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, अपने कंफर्ट एंड हाइट के अकॉर्डिंग इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। रियर आर्मरेस दिया गया है विद 2 कप होल्डर स्पेस। एंड ये है मैसिव एंड लॉन्गेस्ट इन क्लास पैनारामिक सनरूफ। ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट की बैक में पॉकेट दी गई हैं, रियर AC वेंट्स दिए गए हैं और उसके नीचे 5 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर सॉकेट मिलता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट्स दी गई हैं एंड ये है ग्रैब हैंडल विद कोट हुक्स एंड वेरी ब्राइट LED कैबिन लैंप्स अवेलेबल हैं। रियर सीट्स रिक्लाइन भी हो सकती हैं फॉर बेटर कम्फर्ट इन लॉन्ग ड्राइव्स फॉर रियर पैसेंजर्स। अब आपको दिखाते हैं फ्रंट का इंटीरियर्स। ये है फ्रंट डैशबोर्ड की अट्रैक्टिव लुक। फ्रंट में भी 2 ट्विटर्स अवेलेबल हैं। ये है कूल ग्लव बॉक्स विद स्लो रिलीज फंक्शन। पैसेंजर साइड सनवाइजर पर वैनिटी मिरर एंड लाइट दी गई है एंड ये है सनग्लास होल्डर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 10.4 इंच का मैसिव टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। फीचर लोडेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम यानी कि ऑटोमेटिक AC को भी इंफोटेनमेंट सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं, USB, FM, ब्लूटूथ, नेविगेशन, म्यूजिक, कॉलिंग सपोर्ट एंड 360 डिग्री कैमरा का डिस्प्ले भी इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिलता है। MG हेक्टर में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का फीचर भी अवेलेबल है एंड ये है ऑल 4 टायर प्रेशर का डिस्प्ले। एंड ये कुछ कार्स की सेटिंग्स भी दी गई हैं जैसे एम्बिएंट लाइटिंग, वायर सेटिंग्स, अपडेट्स एंड मच मोर।
और ये दिए गए हैं हाइब्रिड स्टार्ट स्टॉप बटन प्लस 360 डिग्री कैमरा एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के ऑन ऑफ कंट्रोल बटन्स। कप होल्डर्स में भी एम्बिएंट लाइट्स मिलती हैं। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है। लेदर रैप्ड फ्रंट आर्मरेस्ट दी गई है विद स्टोरेज स्पेस एंड 1 चार्जिंग पॉइंट भी अवेलेबल है। अब ओपन करते हैं बेस्ट इन सेगमेंट पैनारामिक सनरूफ। ये है वेरी स्टाइलिश स्टेयरिंग व्हील की लुक विद स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड दिए गए हैं म्यूजिक सिस्टम और क्रूज कंट्रोल्स एंड राइट साइड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड कॉलिंग कंट्रोल्स। और ये दिया गया है आई कैचिंग टॉप क्लास स्टाइलिश इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लेफ्ट साइड पर स्पीडोमीटर, बीच में इंफॉर्मेटिव MID स्क्रीन दी गई है एंड राइट साइड RPM मीटर दिया गया है। एंड ये कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि ORVMs के कंट्रोल, हेडलाइट लेवल कंट्रोल्स एंड बूट ओपनिंग कंट्रोल्स, और यहाँ दिए गए हैं फ्यूल लिड एंड हुड ओपनिंग करने के स्विचेस। ड्राइवर साइड सीट 8-way पावर एडजस्टेबल दी गई है एंड ये है डोर माउंटेड लेदर आर्मरेस्ट। बॉटल होल्डर स्पेस दी गई है एंड मैप पॉकेट भी दी गई है। डोर माउंटेड इंटीग्रेटेड स्पीकर बाय इन्फिनिटी प्लस एम्बिएंट लाइट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आपको वेरी ब्राइट 2 LED कैबिन लैम्प्स मिलती हैं। अब करते हैं सनरूफ को क्लोज। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। हेक्टर के रिमेनिंग वेरिएंट्स की वीडियो भी बहुत जल्द चैनल पे आने वाली है, सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।